युधिष्ठिर वर्ड आता है युद्धम स्थैर्यम से, यानी कि युद्ध के टाइम में जो स्थिर रह सके। हमें लगता है हमारे पास एक ही माइंड है, बट एक्चुअल में हमारे पास 5 माइंड्स है। हमारी ये बॉडी को हम एक घर की तरह ले सकते हैं जिसमें 5 रूम्स है, एंड हर रूम में एक विंडो है जिसमें से अलग ही व्यू आता है। ये 5 माइंड्स है थिंकिंग, फीलिंग, मूविंग, सेंसिटिविटी एंड सेक्सुअल। पांडवास जो है वो ये 5 एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड युधिष्ठिर जो है वो थिंकिंग माइंड रिप्रेजेंट करता है। एंड ये थिंकिंग भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक जो लोअर लेवल से आते हैं यानी कि एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस बोल सकते हैं, एंड दूसरा थिंकिंग जो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से आता है। हायर लेवल ऑफ थिंकिंग जो है वो क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन से पता चलता है। इट्स नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल ट्रॉमा। जितना भी बड़ा स्टॉर्म क्यों ना आ जाए, इट इज काम जो कि एक राइट एक्शन ले पाएगा, एंड जिसके पास पावर है कि वो अपना अटेंशन एक चीज के ऊपर फोकस कर सके। स्पिरिचुअल पाथ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है हमारे डिजायर्स, क्योंकि ये हमारा अटेंशन एंड एनर्जी हमेशा खींच के निकाल जाते हैं। एंड युधिष्ठिर इज समवन हु कैन होल्ड दिस एंड फाइट अगेंस्ट डिजायर्स यूजिंग हिज हायर इंटेलेक्ट। जो लोअर थिंकिंग की मैंने बात की थी उसको समझने जाए तो इट्स दैट काइंड ऑफ थिंकिंग एक्चुअली हमारे एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस के वजह से आता है, एंड वी फील दैट आई एम ऑलवेज राइट। हमारे पास हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ एटीट्यूड है, ओपिनियन है, बी इट रिलीजन, पॉलिटिक्स, एडुकेशन, सेक्स, क्लोथ्स, कुछ भी ले लो, एंड हम हमेशा लाइफ को यही एटीट्यूड एंड ओपिनियन के लेंसेज से देखते रहते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ थिंकिंग के वजह से जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा तो हम हमारा संयम खो बैठते हैं। जब हम अपने ये सब एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन से फ्री हो पाएंगे तो ही हम हायर लेवल ऑफ थिंकिंग एक्टिवेट कर पाएंगे। और एक एस्पेक्ट है जिसे हम 5 पांडवास को देख सकते हैं, एंड दैट एस्पेक्ट इज रिलेटिंग देम टू 5 महाभूत और से 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, यानी कि आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। युधिष्ठिर जो है वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड टेल्स अस टू स्टडी द आर्ट ऑफ स्टेइंग स्टेडी इवन इन स्पेस गैप्स और से आकाश। जब भी हम एक पर्सन को देखते हैं तो हमारा ध्यान सीधा उनके बॉडी पे जाता है, बट नॉट ऑन द स्पेस अराउंड दैट पर्सन। अगर हम अपना माइंड उस स्पेस पे फोकस कर पाए लाइक युधिष्ठिर, तो हमें उसमें वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज फील होगे, जिससे हम कभी कभी ऑरा भी बोलते हैं।